मौके पर मुहूर्त भी हो रहा है फिल्म का, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन है, मेरा ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का आज जन्मदिन होगा जो परेशानियों से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पहली बात मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि फिल्म बना रहा हूँ, मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो बचपन से मेरे साथ हैं, यहाँ के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। आभार मैं इनकी फिल्म बहुत अच्छी है, बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे। मैं आज बहुत खुश हूँ, दो फंक्शन कहें, एक तो दीपक जी का बर्थडे है, दूसरे दीपक की फिल्म स्टार्ट कर रही है। लेकिन मेरी खुशी का एक कारण और ही है कि जब कोई नया प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो मुझे काफ़ी संभावनाएं नज़र आने लगती हैं। एक प्रोड्यूसर कम से कम 50 से लेकर 100 आदमी तक का पेट भरता है। इस तरह की लिंक होती है कि एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये संपन्नता की बात है कि फिल्म स्टार्ट हो रही है। मुहूर्त भी है, क्या कहना चाहेंगे दीपक जी के बारे में, कब से जानते हैं और उनकी पर्सनैलिटी और एज ए क्रिएटिव पर्सन? दीपक हमारा भाई है और बहुत ही अच्छा इंसान भी है, और ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव, और तुम हमेशा ऐसे काम करते हो जिससे हमें भी खुशी होगी। और इनकी मूवी है तो मैं भी कर रहा हूँ, इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, ये और अच्छा काम करें और हम लोग एक साथ सब काम करें, और बहुत बढ़िया इंसान है। डबल डबल खुशियाँ हैं, बर्थडे भी है और मुहूर्त भी है, और आपके वॉइस से, आपके गाने से, आपके गाने से रिकॉर्डिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। दो चार लाख तो होने चाहिए। ये दोस्त हैं मेरे, रोहित प्यारे जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं सर, शिल्पी ने मैंने दिखाया है, गाना तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा एक डुएट सॉन्ग है थोड़ा लॉकी टाइप का, अच्छा गाना है, और मैं तो वक्त में वो गाना आपको पसंद आए, पसंद आने की बात चली तो नहीं। सर आपने जितने गाने आज तक गाए सारे गाने हिट हुए, ये गाना भी माशाल्लाह हिट जाएगा। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का, आज के दिन दीपक जैसा होनहार व्यक्ति इस दुनिया में आया है, दीपक को दिन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। गाने की रिकॉर्डिंग प्रोसीजर कुछ चल रही थी, मैं अंदर सुन रहा था, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है ये गाना, फिल्म तो हिट होगी गाना भी उतना ही सुपर। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, संजय ठाकुर जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता जी से, और पॉलिटिकली मेरा जो भी नाम है एज अ वक्ता वो मैं इनसे सीखा हूँ, क्योंकि इनकी जो वाणी है, इनका जो बोलने का तरीका है बहुत सीधा, बहुत सरल है। और रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत इसमें जान डाल दी हमारे साहिद भाई हैं जो मेरे पुराने मित्र हैं, और मैं खुद भी इनका और इनकी वॉइस का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बहुत टाइम से अलग अलग सब्जेक्ट के दीपक जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मैं अपने कामों में बिजी, मैं अलग काम कर रही हूँ अपने कामों में बिजी, उसके बावजूद भी जब ये फिल्म स्टार्ट करें तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आप इसमें काम करें, तो इनकी सबसे बड़ी महानता है कि अपने पुराने मित्रों को भूलते नहीं हैं। मेरा नाम नीलेश शर्मा है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ, और दीपक मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई से भी ज़्यादा है दीपक, और मैं जुड़े हुए हैं। आज मैं दीपक से, दीपक का बर्थडे है, विश भी करता हूँ वो बहुत आगे जाएगा। हेलो अच्छे नहीं सर, पहले नाम संदीप शर्मा, और तौर पर एक अच्छे इंसान, बड़े इंसान इंसान, और उन्होंने ये जो मूवी बनाई ये उनकी मूवी सुपर सुपर हिट जाने वाले हैं, और आगे भी अच्छे और देखिए। नमस्कार प्रोडक्शंस का जो प्रेजेंटेशन में बन रही है, तो ये फिल्म में आप देखिएगा ना, सिर्फ एक्टर्स को आगे आने का मौका मिलेगा बल्कि प्रोडक्शन डायरेक्टर जैसे वासेपुर वगैरह फिल्मों में एक साथ कई लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला था। और
आपकी एक फिल्म का मुहूर्त भी है रोहनी, उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने भी डेट हैं हमारी फिल्म रोहनी शुरू हो रही है जनवरी से, आज का मुहूर्त है, वो साथ में जन्मदिन भी है जिसके लिए ढेरों हज़ारों शुभकामनाएं फेसबुक या वहाँ से आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा लोगों का जो मुझसे जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये प्यार देखकर मेरा दिल भर गया एक्चुअली। इतने सारे लोग इवन MP से आए हैं मेरे भाई, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जबकि बहुत बड़ी घटनाएं घटी हुई है, उसके बावजूद ये पूरी मीडिया यहाँ पर आई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और ये फिल्म बहुत जल्दी शूटिंग स्टार्ट होगी और बहुत जल्दी पड़ जाएगा। हाँ जी, आज रूहानी का एक गाना रिकॉर्ड किया गया, और शाहिद माल्या जी जो कमाल के सिंगर हैं, इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगरों में से एक हैं, उन्होंने अपनी रूहानी आवाज़ में इसको गाया है, और उम्मीद करते हैं बहुत सबको पसंद आएगा। फिल्म की बात करें, किस तरह की फिल्म है ये? फिल्म एक हॉरर फिल्म है, जैसे कि नाम से जाहिर है, रूहानी टाइटल है। इसमें उस औरत की कहानी है जो जुल्म तो सहती है लेकिन कह नहीं पाती। जब वो कह नहीं पाती है तो जब रूह बन जाती है, उसके बाद वो अपना रिवेंज ड्रामा उसका है, बदला लेना चाहती है, और बदला किस तरह से लेती है ये इस पूरी फिल्म में दिखाया गया। और ये बाकी फिल्मों से अलग होगी, जैसे कि राज में दिखाया गया है वैसे कुछ कहानी नहीं है, लेकिन ये यूनिक कहानी होगी, उम्मीद है सबको पसंद आएगी। बात करें स्टार कास्ट की, स्टार कास्ट में मन भाई हैं, राम भदौरिया हैं, इसमें कॉमेडियंस लाइक रोहित प्यारे हैं, इसमें एहसान कुरैशी हैं, सुनील पाल हैं, उर्मिला शर्मा मैडम हैं, संजय गांधी जी हैं जो आज आ नहीं पाए, और भी तमाम आर्टिस्ट हैं जो कि आपको सबको दिखेंगे शूटिंग के दौरान। शूटिंग की बात करें, कब से शूट का प्लान है? आज तो मुहूर्त हुआ है और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, और शूटिंग जल्दी ही लगभग हम जनवरी में करने का प्लान कर रहे हैं, और ये फिल्म मई या जून के अंदर पर्दे पर आ जाएगी। तो बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं और फिल्म के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, बात करें इस फिल्म में आप भी जुड़ी हैं? जी, मैं हीरो की माँ का रोल अदा कर रही हूँ। मूवी को देखा, टाइटल जो एक है रोहानी करके, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और जो उसका सॉन्ग मैं काफ़ी टाइम से सुन रही थी, उसमें ऐसा लगा कि मतलब खुद को एक अंदर से एनर्जी आ रही थी सुनते। दीपक को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और दीपक के साथ हमारा साथ हमेशा रहेगा, दीपक तो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, और दीपक की जो मूवी है रोहानी वो तो बहुत सुपर हिट जाएगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसका भी सुना हुआ है, अभी आज गाना भी सुना तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे अंदर जब मूवी रिलीज होगी तो सारी मूवी पर बहुत होती है। शुरू से लेकर एंड तक भाई जुड़े हैं, मतलब जब प्री प्रोडक्शन हुआ भी नहीं था, फिल्म का नाम सोचा गया था तब इनके घर बैठे सोचा गया था। बहुत बढ़िया शुभकामना करेंगे कि बहुत आगे जाए। सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा खुश रहो, और मूवी के लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और अच्छे अच्छे काम करो जैसे कि करते आ रहे हो, एंड विश यू गुड लक। फिल्म के लिए क्या कहेंगे? मूलच जो हुआ है बहुत अच्छा है, और सभी लोग यहाँ पे आए, इट्स ग्रेटफुल, एंड सब अच्छा था, क्योंकि दीपक अच्छा है तो सब अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे भाई।